वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं इस वीडियो में। हमें क्या करना होता था, लेट करते थे सबसे पहले न्यूमिरेटर को a इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस में 5 प्लस में b। काफी क्वेश्चन कर चुके हो अब तो आप इसको आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू में a इंटू में एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस में 2x का 2 प्लस में b। ए के अंदर मल्टीप्लाई करो 2ax माइनस में 2a प्लस में b, x प्लस 3 के इक्वल है। फिर हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे कोफिशियंट्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग। देखो x का कोफिशियंट है यहाँ पर 2a और यहाँ पर है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। फिर हम कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस का 2a प्लस में b इक्वल्स टू में प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 2a और a की वैल्यू यहाँ पर रख दी 1/2, प्लस में b इक्वल्स टू में 3, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 4, ये माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1, ठीक है। a और b की रियल वैल्यूज आपने निकाल ली। अब चलते हैं आगे, x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वेयर और माइनस में है 2x माइनस में 5, ये गिवन है। अब न्यूमरेटर की जगह पर मैं ये रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास a इंटू में 2x माइनस में 2 प्लस का b और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x और माइनस में 5। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 2x माइनस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस में 5 dx, प्लस में इसका अलग से इंटीग्रेशन, b बार निकाल लिया, क्या बच गया अंदर, dx अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस में 5। अब आप इसको i मान लो, इसको i1 मान लो और इसको i2 मान लो। तो इक्वेशन बना दो I इक्वल्स टू में ए आई वन प्लस में बी आई टू। अब I1 और I2 को सोल्व करो और लास्ट में जाकर इस इक्वेशन में रख देना है, आंसर आ जाएगा। अब I1 है हमारे पास 2x माइनस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस में 5। ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, लेट करते थे डिनोमिनेटर को t के इक्वल, क्योंकि मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद 2x माइनस का 2 dx इक्वल्स टू में dt। अब ऊपर रिप्लेस कर दें डिट्टी, तो आ जाएगा डिट्टी अपॉन में टी, ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग मोड टी प्लस में सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस में 5 प्लस में सी, ये आपके पास आई वन आ गया। अब आई टू को और सोल्व करो, आई टू है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस में 5। ऐसे केसेज में हम जो एक्स का कोफिशियंट होता था उसका हाफ करके स्क्वेयर करके एड और माइनस करते थे, ये हो जाएगा डी एक्स अपोन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 5। अब x का कोफिशियंट आपको दिख रहा है, क्या है x का कोफिशियंट, 2 है, तो 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वेयर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वेयर माइनस कर दिया। फिर देखो आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, डी एक्स अपोन यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस वाली बन जाएगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर हो गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab, क्या बच गया माइनस का 5 और माइनस में 1 का स्क्वेयर, यानी कि माइनस 6 बच गया। और माइनस सिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट सिक्स का स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2a, ठीक है, 1/2a और लॉग मोड के अंदर x माइनस वन माइनस में रूट सिक्स और यहाँ पर x माइनस वन प्लस में रूट सिक्स प्लस का c, यहाँ पर आप a की वैल्यू रख सकते हो 1/2 रूट सिक्स लॉग मोड के अंदर x माइनस वन माइनस में रूट सिक्स अपॉन में आ जाएगा x माइनस वन प्लस में रूट सिक्स प्लस में c। तो i2 भी आपके पास आ गया और i1 भी आपके पास आ गया और i है आपके पास a i1 प्लस में b i2 के इक्वल, तो i1 और i2 रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो i इक्वल्स टू में a है आपके पास भाई 1/2 और i1 देखो क्या आया है, i1 आया है log मोड के अंदर x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 5, ठीक है, I1 रिप्लेस कर दिया, प्लस में b है आपके पास 4 और I2 देखो क्या आया है, I2 आया है 1/2 इंटू में रूट सिक्स और log मोड के अंदर x माइनस वन माइनस में रूट सिक्स अपॉन में x माइनस वन प्लस में रूट सिक्स मोड क्लोज प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहो तो 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये इतना ही सोल्व होगा, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है।
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और क्लासमेट्स को भी बताएं चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू।